ओके गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज कुछ एक नया सीखते हैं, बहुत छोटा सा है, हर रोज हर सुबह हर दोपहर, मतलब ऐसा कभी होता है नहीं कि हम बोले ही ना, लाइक देयर इज नो एनी अदर डे ऑन व्हिच वी डू नॉट स्पीक दिस काइंड ऑफ सेंटेंस एंड दैट इज डैमेजिंग। बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंफ्यूज विद व्हाट दैट इज लाइक एलईजी। सो व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ इट, हाउ डू वी यूज इट? That means nedo, which means there will be a verb after which we use nedo. Like mujhe kha nedo, bhag nedo, padha nedo, so nedo, jaag nedo. Beta mujhe kuch kaam to karne do. Pehle andar to aane do. Pehle pani to pi lene do. So we just speak this kind of sentences a lot. अच्छा अब देर इज अ डिफरेंस, कई बार बोलते हैं लेट्स गो, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेट्स गो एंड देन लेट अस गो, मतलब हमें जाने दो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग एंड लेट्स गो इट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो पहले है हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जहां कहीं भी कुछ भी ऐसा सेंटेंस जो ओ से आएगा, किससे आएगा? ओ से आएगा, तो क्या होता है जो भी सेंटेंस ओ से खत्म होंगे एक वर्ब के साथ में, वो सभी के सभी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपेरेटिव मतलब कि जहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर हम किसी से आज्ञा लेते हैं, किसी को आदेश देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर हम जो है इनका यूज करते हैं, राइट। अब एक चीज है, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे अंदर आने दो, सो ने दो किसके साथ आ रहा है? आ के साथ आ रहा है। तो जब भी कहीं पे भी ऐसा कुछ आएगा जहां पर कि जो उसका एंड है वो ओ से होगा, तो हम जो वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगी। अब यहां पर वर्ब क्या है? ने दो, तो ने दो पहले आ जाएगा। लेकिन अगर कोई कहता बैठो तो सिट, उठो गैर, भागो, ठीक है, मेरे पास आओ, तो मेरे पास की जगह हम यूज करते हैं कम टू मी, वो पहले आती है, राइट। मैं इसको फिर कभी तसल्ली से बताऊंगा, आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ नेट बताने वाला हूँ, सॉरी लेट बताने वाला हूँ कि हम लेट में कैसे यूज करते हैं लेट। तो जहां कहीं पे हम किसी से क्या यहां पर कर रहे हैं, किसी से सीधे सीधे हम रिक्वेस्ट कह रहे हैं, लेट का सीधा सीधा मतलब क्या है? रिक्वेस्ट की बात हो रही है कि भैया मुझे एटलीस्ट कुछ बोलने दो, पहले किताब तो खोलने दो, ये पर पहुंचने तो दो। दैट मीन्स हम किसी से क्या कर रहे हैं कि एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक आज्ञा के रूप में कि भाई ठीक है अगर आपकी अनुमति हो तो मैं सब कुछ कर लूं क्या। तो यहां पर क्या है कि एक रूल है बहुत छोटा सा, वैसे इंपेरेटिव रूल ही होता है कि हम जो है पहले वर्ब लगाते हैं, लेकिन यहां पर लेट हम यूज करें तो लेट का क्या रूल होगा? तो लेट का रूल होगा पहले ही लेट आ जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया, और फिर वहां पर जो भी जिससे हम आज्ञा मांग रहे हैं वो पहले आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली मैं कर तो मैं ही रहा हूं, कर तो मैं ही रहा हूं, लेकिन पूछ किसी और से रहा हूं, तो वो सेकेंडरी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो लेट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सॉरी मैं हूं करने वाला, तो मैं हूं या जो भी कह रहा है वो करने वाला है। ठीक है, उसके बाद आती है वो एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि अब अगर मैं कहता हूं कि मुझे पेन उठाने दो, तो मैंने पूछा किसी से, लेकिन काम तो मैं ही कर रहा हूं, दैट मीन सब्जेक्ट तो मैं ही हुआ। अल्टीमेटली जैसे मैंने आपको गेट में बताया था वैसे ही ये लेट में है। अब यहां पर जैसे मैंने कहा कि मुझे अंदर आने दो, मैं किसी से तो पूछ रहा हूं कि मुझे अंदर आने दो, लेकिन वहां पर जो मुझे आने देगा वो पता नहीं कौन है, तो हमने लेट पहले लिख दिया है, लेट मतलब नेदो के लिए, और आने को क्या कहते हैं? कम कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं क्या चाहिए, जो पूछ रहा है, जो कह रहा है कि भाई मुझे आने, दैट इज मी। और यहां पर ये जो होंगे ना, ये जो आपका आएगा जिसे हम सेकेंडरी सब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं, ये हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, कभी भी आई नहीं है लेट आई गो, वो हमेशा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा, लेट मी गो, लेट हिम कम,
लेट अस स्पीक, लेट देम गो, ऐसे। तो लेट मी कम इन, लेट मी कम इन, बच्चों को सोने दो। तो लेट बच्चों को ना, तो लेट चिल्ड्रन स्लीप, बच्चों को सोने दो। इसकी पैसिव में भी बात करेंगे, लेकिन पहले आज इसकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। एक बार प्रैक्टिस हो जाने के बाद फिर आपको समझ आएगा कि हाँ लेट का जो पैसिव वाइज यूज करना थोड़ा सा वो थोड़ा सा टफ है। हालांकि एक बार आ जाए तो वो ईजी है, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा लिखने की, ज़्यादा लिखने की, तो हमें ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो ये चीज़ आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और जितने ज़्यादा आप सेंटेंस बनाएंगे, जितने ज़्यादा आप सेंटेंस बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा नजर आने लगेगा अपने व्यक्तित्व के अंदर। योर इनर पर्सनैलिटी विल बी जस्ट कीप ऑन डेवलपिंग। ये ऐसे निरंतर ऐसा चलता चला जाएगा। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से काम करेंगे। थैंक यू सो मच। कीजिए।